भैया राम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिषेक ब्लॉग पर। तो आ चुका हूँ मैं आज इंदौर के एक ऐसे भेल वाले के पास जिसके पास अपने भारत की सबसे ज़्यादा भेलें आपको मिलेगी। 50+ वैरायटी भेलों में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस की जो लोकेशन बता देता हूँ। आप अगर मेरे पीछे से आएंगे तो आपको मिलेगा बड़ा गणपति स्क्वायर। अगर आप इधर सामने साइड से आ रहे हैं तो इधर खजूरी बाजार और इन दोनों के बीच में पड़ता है टोरी कॉर्नर चौराहा। टोरी कॉर्नर चौराहा के नीचे पीपल का पेड़ के दुकान है, उसके नीचे भैया की दुकान है। तो आइए हम चलते हैं भैया के पास और उनसे पूछता है क्या बना रहा है हमारे लिए स्पेशल बिल। तो चेतन भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भैया। तो भैया आज क्या खिलाने वाले हैं हमको? आज आपको एक नई चीज़ खिला रहा हूँ भैया। आपने चिजलिंग चिप्स सुनी होगी, चिजलिंग नाचोस सुने होंगे। हाँ भैया, आपको चिजलिंग चना खिला रहा हूँ। चिजलिंग चना ये देशी फ्यूजन है विदेशी सॉसेस के साथ और आपको मजा आएगा। ठीक है चेतन भैया, बनाइए। इसके ऊपर हमारा ये इडली का मसाला। तो भैया क्या क्या मिला लिया इसमें अभी तक आपने? भैया देसी चना है। ठीक है, हल्का सा अपन ने मैरिनेट किया है नींबू और मसाले के साथ। नींबू और मसाले के साथ जो मसाला अपना खुद का है? नहीं भैया, इडली का मसाला। इडली का मसाला वाला थे। तो कौन जाता भैया लेने इडली? भैया राहुल भैया जाते हैं अपने रेगुलर जाते हैं, लेकर आते हैं। बहुत अच्छे परम मित्र भैया। अच्छा, आज देश में जितना ही विकास है उन्हीं के कारण, राहुल जी के कारण। ठीक है भैया, इसके ऊपर ही अफ्रीका के घने जंगलों से जो वनस्पतियों की सॉस होती है जो बना बना के चटनी लाते हैं भैया। अच्छा, ये भी राहुल भैया लाते हैं? ये राहुल भैया लेकर आते भैया, बहुत प्रेम रखते हैं भैया मेरे। अच्छा, ये पुरुषत्व वाले भी आ जा गए। पुरुषत्व वाले भी आ जा गए। ये क्या डाल दिया भैया? ये टमाटर आ गया आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। जिम्बाब्वे का मसाला आ गया। जिम्बाब्वे का मसाला 2555 रुपये हो गया। अरे सारे विदेशी मसाला में बुलवाते हैं आप? सब भैया बाहर से आता है, टोटल माल इम्पोर्टिंग हो गया। अच्छा, स्मगलिंग हो गया था। हाँ, GST पे करते भैया। कौन, राहुल भैया लेके आते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग जगह से अलग अलग। इतनी से राहुल ये क्या डाल रहे हैं भैया? ये यही चटनी है सब अफ्रीका के घने जंगलों की। अच्छा, वनस्पतियों से बनती है। ये भी अफ्रीका के जंगलों की भैया? हाँ भैया, ये वहाँ की भाग होती है, भांग की चटनी है। कहाँ की? गुलकंद की। गुलकंद की चटनी है? ये मीठी नहीं होती, तीखी होती। तड़के वाले गुलाब आते हैं। अच्छा, तड़के वाले गुलाब आते हैं। ठीक है भैया, ये क्या भैया चीज डाल रहे हैं? ये चीज भैया डायरेक्ट अमूल से आता है। डायरेक्ट अमूल से बुलवाते हैं अपन, है ना? ये भैया, ये भैया भांग की चटनी, इससे नशा नहीं होता। नशा नहीं होता इससे? और ये क्या डाल दिया भैया? ये वनस्पति है आपके लिए। वनस्पति क्या बनेगा? और इंदौर की जान डाल दी। इंदौर की जान भैया, इसको केसर बोलते हैं। इंदौरी केसर है ये? अच्छा, अपना पीली केसर आती होगी इंदौर की। इंदौर की केसर, इसके बिना सारा खाना अधूरा। ठीक भैया, चने आ गए भैया कैल्शियम वाले। कैल्शियम वाले चने? हाँ भैया, डॉक्टर भी लिखता है कि यही खाना चाहिए, घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। हमने भैया से जो बैल बनवा ली है, भैया ने आज हमारे लिए स्पेशल चिजलिंग चना बनवाया है, जो कि भैया ने स्पेशल हमारे लिए पहली डिश बनाई है। पहला ब्लॉग बन रहा है ये चिजलिंग चना का।
तो उसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। तो आप देख सकते हैं इसमें भैया ने भर भर की चीज़ डाली है, बहुत से प्रकार के सॉस डाले हैं। टेस्ट करके बता दो कैसा स्वाद है। बताना चाहूँगा मसालों का परफेक्ट टेस्ट आ रहा है, जो भैया ने सॉस डाले उसका भी परफेक्ट टेस्ट आ रहा है, जो भैया ने डिश बनाई है ना ऑसम डिश है, ऑसम डिश। एक बार आप खाओगे ना दीवाने हो जाओगे आप इसको खा के। तो आपको रिकमेंडेड करने चाहूँगा आप इंदौर में हो तो भैया के पास आइएगा और चीज़लिंग चना चाट खाइएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। एक बार इसको टेस्ट करना ज़रूर बनता है, रिकमेंडेड करना चाहूँगा, बिल्कुल आइए आप उसको टेस्ट करें। एक नंबर डिश है, जैसे इंदौर सफाई में एक नंबर है, वैसे भैया का चीज़लिंग चना इंदौर एक नंबर है। तो गाइस आपने मेरा रिव्यू तो जान लिया, मेरे साथ मेरा आयुष भाई आए हैं जो मेरे हर ब्लॉग में साथ में रहते हैं। तो आज मैं आयुष भाई से पूछना चाहूँगा उनको ये कैसा लगा चिजलिंग चना। भाई मैं एक स्पून टेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों को सारा रिव्यू बताता हूँ, ठीक है। मस्त ले लो भर के, अब टेस्ट करो। टोमेटो भैया, टोमेटो भाई जो चीज़ें ना, देखो मैंने बहुत सारे चने वगैरह खाए हैं, वो टेले वगैरह पे घूमते ना चने, वही चने खाए इसमें, वही वाले चने डाले हुए। सबसे पहले जैसे मैंने बाइट मुंह में लिया तो मेरे को सबसे पहले इसका चना क्रंचीनेस मुंह में आया। उसके बाद में भैया ने तीन चार प्रकार के इसमें सॉस वगैरह डाले थे, उसका प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। गुलाब वाला कुछ तीखा गुलाब वाला भैया ने सॉस डाला था, उसका ही बहुत तगड़ा वाला वो फ्लेवर आ रहा है इसमें। साथ में भैया ने इसमें मेयोनीज और चीज़ ऐड करा है, तो चीज़ वगैरह जो है ना सब इतना तगड़ा वाला सब वो इसमें टेस्ट आ रहा है, क्या है वो सारी जो सारे फ्लेवर है ना वो साथ में मिल गए हैं, तो सारा फ्लेवर मतलब मिलके और वो जो ब्लास्ट कर रहा है ना मुंह के अंदर, वो बहुत अहम चीज़ है भाई। आयुष भाई अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आप इसको 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? भाई 5 में से तो 6 दूंगा मैं, क्योंकि इंदौर में फर्स्ट डिश है जो अपन चीज़ चेक कर रहे हैं। चेक करने के साथ साथ जो पहली डिश है जो इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में बनी हुई, तो मैं इसको 5 में 6 देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत यूनिक है, कोई लाया नहीं। ठीक है, तो कैसे भैया आपका नाम बताइए? मेरा नाम अक्षर सोनी है। तो क्या करा आपने आज यहाँ पे, क्या ट्राई करा? मैंने तिरुवन्नाड बेल और चिप्स चाट खाया। तिरुवन्नाड बेल और चिप्स चाट, तो कैसा लगा आपको स्वाद? एक नंबर स्वाद, एक नंबर लगा। भैया आपका नाम? प्रशांत कुनासिया। तो आपने क्या ट्राई करा? तो कैसा लगा आपको स्वाद? भैया आपको एक नंबर। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? सार्थक। कहाँ से आए आप? हम मैं दिल्ली से आए हूँ यार। आप दिल्ली से आए हो, तो आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया? मैंने एक फेमस इनकी आजी बनी थी कोई चीज़लिंग चना, ओके, वो ट्राई करी, और एक इनकी सबसे स्पाइसी बेल तिरुवन्नाड बेल वो ट्राई करी। तो आपको कैसा लगा भैया? तिरुवन्नाड बेल तो बहुत बढ़िया थी, मतलब बिल्कुल मेरे मतलब की है, ज्यादा स्पाइसी है, धीरे धीरे लगनी शुरू होगी वो, ओके, काफी अच्छी लगी मुझे। और जो चीज़लिंग चना था वो भी काफी अच्छी थी, तो पहली बार ट्राई किया था वो। आप दिल्ली का फूड आपको अच्छा लगता है कि यहाँ का आपको अच्छा लगा जैसा भी आपने ट्राई किया? दोनों की अपनी अपनी यार यूनिक चीज़, यहाँ का अलग ही था टेस्ट, वहाँ के अलग थे, होते हैं, दोनों कंपेयर करना नहीं होगा, बट यहाँ का भी बहुत बढ़िया लगा। ओके भैया, थैंक यू भैया। नितिन भैया जी, भैया जो आपने चना चिज़लिंग चना बनाए थे, भैया एक नंबर स्वाद था, मजा आया भैया। हाँ, तो कैसा लगा उसका टेस्ट आपको? ये एक इंदौरी भाषा में बोले ना, सब इंदौर एक नंबर है स्वच्छता में, वैसे आपका जो चिज़लिंग चना था ना भैया एक नंबर था ये, भैया स्पेशली आपके लिए बनाई थी डिश। हाँ, तो भैया जैसे अपने अपनी जो जनता वीडियो देखेगी वो भी आएगी, तो भैया इसका प्राइस बता दीजिए ना, कितना प्राइस है? प्राइस भैया बहुत कम है, 130 rupees ओनली, 130 rupees भर भर के चीज, भर भर के, बिल्कुल भैया, और आपको मजेदार डिश मिलेगी, शायद आप अगर एक खा ले तो शाम तक आप डिनर नहीं मांगे। सही बोल रहे हैं भैया, ठीक है भैया। और अगर अपनी जनता आना चाहे तो उनको एड्रेस बता दीजिए ना भैया। एड्रेस बहुत सिंपल है भैया, इधर की तरफ पड़ता खजूरी बाजार, इधर की तरफ पड़ता बड़े गणपति, और दोनों के बीचों बीच है टोरी कार्नर चौराया, टोरी कार्नर चौराहे में पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान है। पता अगर आपको नहीं मिले तो इस नंबर पे फोन कर लेना, स्क्रीन पर जो ब्लिंक हो रहा है आपको मजा आ जाएगा, मैं खुद लेने आ जाऊंगा यार। ठीक है, तो भैया राम, जय सिया राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो, जो घंटी का आइकन होता है ना उसको दबा दबा दें, ठीक है, दबा दबा के तोड़ दें। और ये हमारे आयुष भाई है, आयुष भाई का भी चैनल है, आयुष भाई की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उनके चैनल पर जाइएगा, उनको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय
तब तक के लिए चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, बी आर होम।